जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एनसीसी। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। एज यू नो दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द वॉर ऑफ 1947, और आज हम लोग देखेंगे कि 1965 में इंडिया और पाकिस्तान वॉर में हुआ क्या था, कौन सी बटालियन थी जिन्होंने पाकिस्तानी सोल्जर्स को या उनकी फोर्सेस को डिफीट किया था, और लास्ट में कैसे इस वॉर का समझौता हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1962 की। तो आप सभी को पता है कि इंडिया का 1962 में वॉर चाइना से हुआ था, जो कि एक अनडिक्लेयर्ड वॉर था, मतलब अचानक से हुआ, जिसमें जो चाइनीज ट्रूप्स थे वो भी ज़्यादा थे और उनके पास जो वेपन थे वो भी मॉडर्न थे, जिसकी वजह से इंडिया की डिफ़ीट हो गई थी 1962 की वॉर में। तो उसके बाद पाकिस्तानी सोल्जर्स ने और जो पाकिस्तानी उस टाइम लीडर थे अयूब खान, उन्होंने सोचा कि अभी तो 1962 की वॉर से भारत ढंग से निकला भी नहीं है, तो इसका मतलब भारत जो है वो मिलिट्री बेसिस पे कमज़ोर हो गया है। ये उस टाइम उन लोगों ने सोचा था। फिर 1964 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी भी डेथ हो गई थी, तो पाकिस्तान को लगा कि भारत पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कमज़ोर हो चुका है, और क्योंकि उस टाइम यूएसए और यूएसएसआर में कोल्ड वॉर चल रही थी, तो यूएसए की साइड पाकिस्तान खड़ा था और यूएसए ने काफ़ी सारे मॉडर्न वेपन्स इंक्लूडिंग टैंक एंड राइफल एंड एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को दे दिए थे। तो उस टाइम पे इंडिया के पास इतने मॉडर्न वेपन नहीं थे, हमारे पास पुराने ही वेपन थे जो वर्ल्ड वॉर वन एंड टू में यूज़ किए हुए थे, और पाकिस्तानी फोर्सेस को असिस्टेंट मिल रही थी यूएसए से, मॉडर्न वेपन्स मिल रहे थे, टैंक्स मिल रहे थे, एयरक्राफ्ट मिल रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अभी हिंदुस्तान अपनी 1962 के डिफीट से उभरा भी नहीं है और ये पॉलिटिकली भी वीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की 1964 में डेथ हो चुकी है, तो क्यों ना अभी सही टाइम है इन पे अटैक करने का। और जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन था, जो 1947 की वॉर में जो मुद्दा अधूरा छूट गया था, उसको पूरा करके जम्मू एंड कश्मीर को अपनी तरफ करने का। तो 1965 में पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान की लीडरशिप में ऑपरेशन गिब्राल्टर जम्मू एंड कश्मीर के रीजन पे लॉन्च किया गया। तो जो ऑपरेशन था गिब्राल्टर, इसका मेन मोटिव था जम्मू एंड कश्मीर में जाके उनके लोगों को एंटी इंडियन स्लोगन से भड़काना, ठीक है, उनमें रायट्स फैलाना कि आपको इंडिया में अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, आपको पाकिस्तान में आके मिल जाना चाहिए। बट ये जो ऑपरेशन था ये उन पे ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि जो वहाँ के लोग थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने इनको पकड़ पकड़ के, जो भी इन्होंने लोग भेजे थे जम्मू एंड कश्मीर में, उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन था वो बिल्कुल उल्टा पड़ा और इनको इस ऑपरेशन में डिफीट हुई। तो इस ऑपरेशन के नाकामयाब होने के बाद पाकिस्तानी फोर्सेस ने और उनके जो लीडर थे उस टाइम अयूब खान, उन्होंने एक और ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। तो ये ऑपरेशन 1 सितंबर 1965 में लॉन्च किया गया, और किस रीजन में लॉन्च किया गया, वो था इंडिया का चाम जॉर्डन सेक्टर, ठीक है। तो फिर रिटालिएशन में, जवाब में, इंडियन फोर्सेज ने वहाँ पर फिर हमला किया, अपनी फोर्सेज को लेकर वहाँ पर गए और पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। उसके बाद इंडियन आर्मी ने काफ़ी सारे जो नॉर्दर्न सेक्टर थे वहाँ पे अपना दबदबा बना दिया, और उसके बाद 3 इम्पॉर्टेंट माउंटेन पोजीशन थी कश्मीर में, वहाँ पे भी उन्होंने कब्जा कर दिया, जो कि स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और 9 सितंबर को जो इंडियन सोल्जर थे उन्होंने लगभग जो एरिया था पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया हुआ, और जो बाकी रीजन भी था जो लाहौर के पास था, उस पर अपना दबदबा बना दिया। उसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेस को जम्मू एंड कश्मीर रीजन से डाइवर्ट करने के लिए इंडियन फोर्सेस के द्वारा एक और ऑपरेशन लॉन्च हुआ जिसका नाम था बैटल ऑफ असल उत्तर, ठीक है। असल उत्तर एक ऑपरेशन था जो कि केमकरन रीजन में पंजाब के लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे वो वॉर हुआ, यहाँ पे बैटल वॉर हुआ दोनों फोर्सेस के बीच में, और असल उत्तर का वॉर पाकिस्तानी फोर्सेस हार गई। उसके बाद अनदर टैंक बैटल हुआ दोनों फोर्सेस के बीच में, जिसको वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सबसे बड़ा टैंक बैटल बोला जाता है। इसका नाम था बैटल ऑफ चाविंदा। तो बैटल ऑफ चाविंदा में भी पाकिस्तानी फोर्सेस की हार हुई, और इसको वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा बैटल टैंक माना जाने लगा। जो यूएसए के प्रोवाइडेड टैंक थे पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने उनका यूज़ किया, और इंडिया के पास भी जो भी पुराने टैंक्स थे उनका इसमें यूज़ किया गया। तो पाकिस्तान जो था वो असल उत्तर और बैटल ऑफ डोगरी दोनों में अच्छी तरह से हार गया, ठीक है। उसके बाद टू रिलीव द प्रेशर एट चंबाल जॉर्डन सेक्टर, जो कि पाकिस्तानी ने पहले कब्जा किया था, जो उनका ऑपरेशन था,
जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। तो ग्रैंड स्लैम के बाद जो पाकिस्तानी फोर्सेस ने चंबल जौरियन सेक्टर को कब्जा कर लिया था, तो वहाँ पे प्रेशर रिलीज करने के लिए इंडियन फोर्सेस की 15 इन्फेंट्री डिवीजन वहाँ गई और उन्होंने फिर से उस सेक्टर को, उस पार्ट को अपना बना दिया। फिर 3 जाट और 54 इन्फेंट्री ब्रिगेड क्रॉस इहोगिल कनाल एंड कैप्चर द टाउनशिप ऑफ डोगरी, जिसपे डोगरी पे पाकिस्तानी फोर्सेस ने जो कब्जा किया था, फिर 3 जाट और 54 इन्फेंट्री बटालियन वहाँ पे गई और उन्होंने उस पर भी अपना दबदबा बना दिया। और इस तरह से जितना भी ऑलमोस्ट पार्ट था जो पाकिस्तानियों ने जम्मू एंड कश्मीर का लेने की कोशिश की थी या उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी, वो इंडियन फोर्सेस ने उनका जो रिटालिएशन था वो बहुत अच्छे से दिया। फिर 23 सितंबर 1965 में सीज़ फायर अनाउंस कर दिया गया दोनों ही कंट्री के बीच में, और उसके बाद एक डिक्लेरेशन हुआ जो कि ताशकेत का, जिसको डिक्लेरेशन कहते हैं। और ताशकेत पहले आपका यूएसएसआर के अंडर आता था, अब ये उज़्बेकिस्तान, क्योंकि यूएसएसआर जब डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड हो गया, उसमें रशिया बना और बाकी अदर कंट्रीज़ फॉर्म हुई, तो उसमें से अभी ये आता है उज़्बेकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो ताशकेत का डिक्लेरेशन हुआ जिसमें बोला गया कि जो प्री वॉर कंडीशन थी, मतलब युद्ध से पहले जिसके पास जितनी भूमि थी, जो भी आपने कैप्चर करी है वो आप एक दूसरे को वापस कर दीजिए। ठीक है, जितने भी पासेस या पीक्स आपने कैप्चर करे हैं वो भी आप वापस कर दीजिए, और जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं वो भी आपको लौटाने हैं दूसरी कंट्री को। तो इस तरह से फिर ताशकंद के डिक्लेरेशन के साथ ही दोनों कंट्रीज़ में सीज़ फायर अनाउंस हुआ और इस वॉर का, जो कि 1965 की वॉर थी, इसका अंत हुआ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा विश्व युद्ध दो के बाद जो सबसे बड़ा बैटल युद्ध था, बैटल टैंक वॉर था, वो स्टार्ट हुआ, और किस तरह से दोनों फोर्सेस ने कैप्चर किए थे एरिया, और किस तरह से फिर सीज़ फायर को अनाउंस कर दिया गया और ताशकेत के डिक्लेरेशन यहाँ पे हुआ। कहाँ पे था वो उस टाइम पे? यूएसएसआर में। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोज़ अमंग योर एनसीसी मेट टू हेल्प देम इन देयर बी एन सी सर्टिफिकेट। थैंक यू।